हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे क्रूड ऑयल में कहां एंट्री कर सकते हैं उसका ऊपर भी बात करेंगे। तो आज देख सकते हैं क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 3149, फर्स्ट रेजिस्टेंस 3203 एंड द सेकंड रेजिस्टेंस 3399 एंड द थर्ड रेजिस्टेंस 3553, फर्स्ट सपोर्ट 3053, सेकंड सपोर्ट 2899, थर्ड सपोर्ट 2803। तो क्रूड ऑयल देख सकते हैं आपका लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन दिया हुआ है, जिसे मैंने सपोर्टिंग लाइन दिया था वहाँ से ऑलमोस्ट वहाँ से मार्केट करेक्शन दिया हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत और ऊपर जाने का चांसेस है, जैसे 3491 तक क्रूड ऑयल जा सकता है यहाँ पे। हंड्रेड मूविंग एवरेज तक, जैसे ये क्रूड ऑयल 3481, तो वहाँ से वहाँ तक मार्केट जाने का चांसेस है, करेक्शन दे सकता है यहाँ पे। लेकिन बाय लेने के लिए थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि ट्रेंड अभी तक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसमें सेल लेने के लिए ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो अगर आप सेल लेना चाहता है तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग एसएल लगाना चाहिए। जैसे आपको अगर बाय लेना है तो जैसे पहले जो सपोर्टिंग लाइन था यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इसको उसका ऊपर अगर ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से आप बाय जा सकता है 3488 तक आप बाय जा सकता है, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। क्या कभी कभी क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ से फिर से मार्केट करेक्शन दे सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत करेक्शन दिया हुआ है प्रीवियस, तो अभी रैली कंटिन्यू कर रहा है। अगर आपको बाय करना है इसका ऊपर से ही बाय लेना चाहिए, जैसे 3263 में है, तो इसमें आप जा सकता है बाय 3300 में आप जा सकता है बाय, इसका ऊपर से आप बाय जा सकता है, राइट। तो अगर इसका ऊपर में आपने बाय लिया तो स्ट्रॉन्गली आप उसका नीचे में ऐसे लगाना चाहिए, जो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है उसका हिसाब से आपको ऐसे लगाने लेना चाहिए। अगर आपको ऐसे थोड़ा लंबा होगा तो उसका लॉट साइज कम कर देना चाहिए, तो यहाँ से जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।